वेलकम बैक इन केमिस्ट्री विद जोंकी क्लासेस गाइस, वी हैव टू डिस्कस ऑलरेडी अबाउट दी कूलम्स लॉ इन प्रीवियस लेक्चर. सो इन दिस लेक्चर वी हैव टू डिस्कस अबाउट दी वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ. मीन्स व्हाट इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ? वी नो दैट द फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी. ओके, तो अब दो चार्जेस रखे हुए हैं, तो उन चार्जेस के बीच में कुछ अट्रैक्शन का फोर्स होगा, कुछ रिपल्सन का फोर्स होगा. तो इस अट्रैक्शन और कुछ रिपल्सन का इस फोर्स की वैल्यू क्या होगी, इसको तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कूलम्स लॉ के हेल्प से. यानी कि कूलम्स लॉ फोर्स के मैग्नीट्यूड की बात करता है. लेकिन आप जानते हो कि वेक्टर क्वांटिटी में जब तक मैग्नीट्यूड के साथ आप डायरेक्शन ना दो वो वैल्यूएबल नहीं होती है. तो एज यू नो दैट फोर्स इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. जब तक आप वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन नहीं दोगे वो वैल्यूएबल नहीं होगी. तो उसे वैल्यूएबल बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं कूलम्स वेक्टर फॉर्म. ओके, यानी कि कूलम्स लॉ यूज़ करेंगे बट वेक्टर फॉर्म में. तो वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ. सो मैं आपको सबसे पहले बताने से पहले एक टॉपिक बताऊँगा. व्हाट इज़ द वेक्टर? यू नो अबाउट व्हाट इज़ द वेक्टर क्वांटिटी? यस, आई विश यू कि आपको वेक्टर क्वांटिटी पता होगा. दोज क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एंड एज वेल एज डायरेक्शन एंड दे आल्सो फॉलो द वेक्टर रूल ऑफ एडिशन. ठीक है, तो व्हाट इज द वेक्टर क्वांटिटी? दोज क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एंड ए स्पेसिफिक डायरेक्शन एंड दे आल्सो फॉलो द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन. यानी कि कोई ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो और साथ साथ वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता हो, तो उसे बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. थोड़ा सा एक जस्ट ओवरव्यू लेते हैं वेक्टर का, नहीं तो आपको डायरेक्ट में वेक्टर लॉ ऑफ कूलम्स मिले आऊँगा तो आप परेशान हो जाओगे, आप कन्फ्यूज हो जाओगे. तो इसलिए सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज दी वेक्टर. ओके, तो देखो वेक्टर, वेक्टर के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए? मैग्नीट्यूड एंड स्पेसिफिक डायरेक्शन. ओके, सो वी हैव टेक अ वेक्टर क्वांटिटी. लेट अस सपोज दैट वी हैव अ वेक्टर क्वांटिटी ए वेक्टर. सो इट हैव अ मैग्नीट्यूड. देन मैग्नीट्यूड के लिए हम दिखाते हैं, मान लीजिए आपके पास ए वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड सिर्फ आप दिखाओगे ए से. ओके, या मैग्नीट्यूड के लिए कभी कभी क्या करते हैं, ए वेक्टर के ऊपर एरो लगाते हैं और इसको दोनों तरफ एक मॉडुलस लाइन बनाते हैं. ये मॉडुलस लाइन क्या बताता है? अगर मैं मॉडुलस लाइन लगाता हूँ तो ये मॉडुलस लाइन क्या करता है, यहाँ से वेक्टर का साइन हटा देता है. ओके, तो कहीं पे आपके सामने ऐसे लिखा हो ए वेक्टर के ऊपर मॉडुलस, इसका मतलब आप ए ही समझना. ठीक है, बट ये लिखा हो कि ए वेक्टर के ऊपर मॉडुलस तो इसका मतलब ए वेक्टर नहीं होता है. ओके, क्योंकि ये मॉडुलस की बात करता है और ये पूरा क्या होता था, आपकी बात करता है डायरेक्शन की. यानी कि इसके पास होगा मैग्नीट्यूड प्लस का डायरेक्शन, बट इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा. तो कोई भी वेक्टर क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो वो कैसे खोल सकता है किसी के पास मैग्नीट्यूड हो? तो यानी कि ये गलत है. ठीक है, लेकिन ये क्या है, ये सही है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड है ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड. ओके, ए है, इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखोगे? आप ऐसे भी लिख सकते हो ए वेक्टर के ऊपर मॉडुलस, या फिर आप सिंपल ले सकते हो ए. ओके, तो लेट अस सपोज दैट वी राइट अ ए. ओके, तो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर. बट व्हाट इज स्पेसिफिक डायरेक्शन? सो फॉर स्पेसिफिक डायरेक्शन इन फिजिक्स वी हैव टू डिस्कस अबाउट व्हाट इज अ यूनिट वेक्टर. तो फिजिक्स में किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को समझाने के लिए, वहाँ अंडरस्टैंडिंग के लिए एक वेक्टर क्वांटिटी के साथ साथ लगा होता है स्पेसिफिक डायरेक्शन. ओके, तो दिस इज ए मैग्नीट्यूड एंड देर इज ए कैप. There is a cap. It is called as unit vector. Unit vector. Okay. This is called magnitude. Magnitude of vector A. ठीक है, यानी कि ये ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है और ये ए वेक्टर का डायरेक्शन है. अब देखिए डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं. देर इज थ्री टाइप्स ऑफ यूनिट वेक्टर. देखिए यूनिट वेक्टर हमारे पास क्या होता है, आई कैप होता है, जे कैप होता है और के कैप होता है. मींस क्या होता है, सुनिए, यूनिट वेक्टर का फंक्शन क्या होता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर? देखिए यूनिट वेक्टर का सिर्फ इतना ही फंक्शन होता है, वो हमको डायरेक्शन देते हैं. मींस हमारा वेक्टर क्वांटिटी में जो हमारा क्वांटिटी है वो किस डायरेक्शन में वॉक कर रहा है. लेट अस सपोज दैट वी हैव अ दिस अ प्लेन. ओके, दिस इज अ प्लेन, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज अ वाई एक्सिस एंड दिस इज अ जेड एक्सिस. ओके, ओके, तो दिस इज एक्स एंड वाई एंड जेड. फॉर एक्स एक्सिस देर इज डिफाइंड यूनिट वेक्टर कॉल्ड आई कैप.
okay, I cap. For y axis there is unit vector defined called z cap. Okay, for z axis there is unit vector defined called k cap. Okay, फॉर निगेटिव एक्स एक्सिस यानी कि इसके जस्ट अपोजिट क्या होगा, माइनस का एक्सिस होगा, तो इसके लिए डिफाइंड क्या है, माइनस का आई कैप. वैसे यहाँ पे नीचे क्या होगा, माइनस का वाई, तो यहाँ पे डिफाइंड है माइनस का जे कैप. अगर सामने इस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर जे कैप की जगह आप जे वेक्टर यानी कि सॉरी जे जेड एक्सिस के लिए आपके पास क्या है, पॉजिटिव का के कैप, तो जस्ट इस प्लेन के पीछे होगा आपका माइनस का के कैप. ओके, सो इट इज द निगेटिव वैल्यू ऑफ दिस vector. Okay, so we have to use this quant I cap, j cap and k cap. What is the I cap, j cap and k cap? अगर मैं कहता हूँ कि मैं ध्यान दो, मैं कहता हूँ कि मैं 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से गया, ठीक है, तो इससे आप क्या समझते हो, इससे इतना ही समझते हो कि मैं 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कहीं गया हूँ. अब किधर गया हूँ, ऊपर गया हूँ, नीचे गया हूँ, लेफ्ट राइट अपर डाउन, कहाँ गया हूँ, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है. मैं आगे भी जा सकता हूँ, पीछे भी जा सकता हूँ, लेफ्ट भी जा सकता हूँ, राइट भी जा सकता हूँ. तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको सिर्फ इतना कहता है कि मैं 5 मीटर पर सेकंड से जाता हूँ, तो मेरे पास कोई ये फिक्स वैल्यू नहीं है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, ठीक है. बट मैं ऐसा कहता हूँ कि मैं 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से नॉर्थ की ओर जा रहा हूँ, मैं 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से साउथ की ओर जा रहा हूँ. तो आप देख रहे हो यहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड ठीक है, एक वैल्यू है, एक मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड के साथ आपको डायरेक्शन भी दे दे रहा है. जब आपके पास कहीं क्या होता है, मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन होता है, तो वो होती है वेक्टर क्वांटिटी. मैं कह रहा हूँ मैं 5 मीटर पर सेकंड से गया, यानी कि 5 मीटर पर सेकंड यानी कि मुझे क्या दिया है, 5 मीटर पर सेकंड दिया. इससे क्या पता चलता है, मेरी स्पीड कितनी है, मेरी स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड, यानी कि मेरी स्पीड कितनी है, 5 मीटर पर सेकंड. बट ऐसा कहता है कि 5 मीटर पर सेकेंड टूअर्ड्स द ईस्ट, टूअर्ड्स द ईस्ट मीन्स मैं 5 मीटर पर सेकेंड से ईस्ट की तरफ गया हूँ. इसका मतलब होता है कि मैं 5 मीटर पर सेकेंड से ईस्ट की तरफ गया हूँ, यानी कि मेरे पास वो मैग्नीट्यूड है जिससे मैं गया हूँ, और मैं कहाँ गया हूँ, इसका डायरेक्शन मुझे ईस्ट दिया है. तो इससे आप पता कर लोगे कि कोई बंदा है, कोई पार्टिकल है, कोई बॉडी है 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ईस्ट की तरफ गया हो, तो इसे आप बोलते हैं वेलोसिटी. तो इसे लिखोगे कैसे, तो इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं और बताते हैं. बस आप यह लर्न कर लो, एक्स एक्सिस के लिए आई कैप, वाई एक्सिस के लिए जे कैप, जेड एक्सिस के लिए के कैप. ओके, इसका जस्ट अपोजिट रहेगा, आप नेगेटिव वेक्टर लगा देना. ओके, तो यू हैव टू टेक अ स्क्रीनशॉट. चलिए थोड़ा सा वेक्टर क्वांटिटी बारे में बात कर रहे हैं, क्लास 11 का टॉपिक वैसे आपको आना चाहिए, बट कोई बात नहीं. तो लेट अस सपोज वी हैव वेलोसिटी वेक्टर वी. ओके, 5 मीटर पर सेकंड, आपको डायरेक्शन का नॉलेज होना चाहिए. यू नो दैट, देखिए इधर क्या होता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ. आपको लग नहीं रहा है कुछ ही एक्स एक्सिस की तरह काम कर रहा है, ऊपर वाला वाई एक्सिस की तरह काम कर रहा है, ये पीछे वाला माइनस का एक्स की तरह काम कर रहा है, नीचे वाला माइनस का वाई की तरह काम कर रहा है, कर रहा कि नहीं कर रहा, सॉरी, ठीक है. तो कोई बंदा है क्या है, 5 मीटर पर सेकंड से ईस्ट की तरफ गया, यानी कि इधर की ओर गया, 5 मीटर पर सेकंड से इधर की ओर गया, यानी कि 5 मीटर पर सेकंड ईस्ट की ओर गया. और ईस्ट के लिए क्या होता है आपके पास, यूनिट वेक्टर, देयर इज आई कैप. देन आप वेक्टर फॉर्म में वेलोसिटी को लिखोगे, तो लिखोगे 5 मीटर पर सेकंड, ये तो आपका मैग्नीट्यूड हो गया. बट आप कहाँ गए हैं, ईस्ट की तरफ गए हैं, तो आप लिख दीजिए आई कैप. इसका मतलब क्या होता है, आपके पास एक वेलोसिटी है. क्या है वेलोसिटी, वो क्या बताती है कि आप 5 मीटर पर सेकंड से आई कैप के लॉन्ग यानी कि ईस्ट की ओर गए हैं, ठीक है. यानी कि आपके वो क्या लिख रहा हूँ, वैक्टर को लिख रहा हूँ. तो वैक्टर के लिए आपके पास होना चाहिए पहला मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन. डायरेक्शन कैसे पता चलता है, यूनिट वेक्टर से पता चलता है. यूनिट वेक्टर कितने टाइप के होते हैं, आई जे के होते हैं, ठीक है. ओके, ऐसे आप पता कर सकते हो. मान लो ऐसे कहता हूँ मैं कि मेरे पास कोई बॉडी है, उस पर 10 न्यूटन का फोर्स ईस्ट की ओर लग रहा है, यानी कि टुवर्ड दी सॉरी मान लीजिए ऐसे है, ठीक है. मान लीजिए मेरे से एक बॉडी है, ठीक है, इस पर कोई ऐसा फोर्स लग रहा है ऐसे 10 न्यूटन का, ठीक है. 10 न्यूटन कोई बॉडी कोई पुश कर रहा है, मैं कह रहा हूँ इसे राइट दिन वेलोसिटी सॉरी राइट दिन वेक्टर फॉर्म ऑफ फोर्स. ओके, सो वी हैव टू राइट अ फोर्स ए वेक्टर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड कितना है फोर्स का, 10 न्यूटन. ओके, 10 न्यूटन. बट आपको डायरेक्शन भी देना पड़ेगा. डायरेक्शन किधर है, ये अपवर्ड. अपवर्ड यानी कि आप देख सकते हो कहाँ जा रहा है, प्लस का वाई एक्सिस में, और प्लस के वाई एक्सिस के लिए होता है जे कैप. तो आपको यह लिखना पड़ेगा जी कैप. इससे क्या पता चलता है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलता है कि इस बॉडी पे 10 न्यूटन का फोर्स टुवर्ड्स दी
नॉर्थ यानी कि जे कैप के अलॉन्ग लगाया जा रहा है, ठीक है। तो वेक्टर का बहुत बड़ा यूज है, हमको क्या पता चलता है, मैग्नीट्यूड और एज वेल एज डायरेक्शन। तो डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड मिल जाता है, यही स्पेसिफिकेशन होता है वेक्टर क्वांटिटी का। यानी कि अगर आपको कोई भी वेक्टर क्वांटिटी दुनिया में लिखना हुआ तो आपको सिर्फ क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ओके, सो वी हैव टू राइट अ वेक्टर। लेट अस सपोज दैट देयर इज अ वेक्टर एफ वेक्टर, एफ वेक्टर विल बी इक्वल टू द एफ, ओके, इट्स मैग्नीट्यूड एंड एफ कैप, एफ कैप सो द डायरेक्शन। ओके, तो दिस इज अ यूनिट वेक्टर। मान लीजिए आपके सामने लिखा ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एंड ए कैप, ठीक है। अब एफ वेक्टर हो सकता है आई कैप, जे कैप, के कैप, कुछ भी हो सकता है। सो ये कोई स्पेसिफिकेशन नहीं कि आई कैप ही होगा, जे कैप होगा या के कैप होगा। हमारी जरूरत के अनुसार हम एफ को रिप्लेस कर देंगे। अगर एफ हमारा आई कैप के अलाउंगा तो आई कैप लिखेंगे, जे कैप के अलाउंगा तो जे कैप लिखेंगे, के कैप के अलाउंगा तो के कैप लिखेंगे। बट अनदर यहाँ पे कोई फिक्स नहीं है ना, आई जे के है, तो लेट अस सपोज दैट एफ कैप अलॉन्ग एफ कैप लिख दो। ओके ओके, ठीक है। मान लीजिए आपको कोई वेक्टर दे दिया, कह रहा कि वेलोसिटी वेक्टर है, तो कैसे लिखोगे, वी इक्वल्स टू लिखोगे वी एंड इट्स मैग्नीट्यूड के लिए वी कैप। अभी कुछ भी हो सकता है, या आई हो सकता है तो आई कैप लिख लो, जे हो सकता है तो जे कैप लिख लो, ये के हो सकता है के लिख कैप लिख लो, जो हो सकता है वो लिखो, लेकिन अभी फिलहाल के लिए हमको पता नहीं किधर है तो वी कैप लिख लो, ठीक है। ऐसे वेलोसिटी वेक्टर को लिख लेते हैं। तो ये रहा हमारा थोड़ा सा वेक्टर के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यू शुड टू राइट अ वेक्टर एंड योर कॉपी एंड सो वी स्टार्ट अ कूलम्स लॉ वेक्टर। अब कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में कैसे दिखाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए मान लीजिए मैं कोई एक्स वाई प्लेन मानता हूँ, ठीक है। ये देखिए, एक मेरे पास क्या है, एक प्लेन है और एक इधर प्लेन है। लेट अस सपोज दैट दिस इज द एक्स प्लेन एंड दिस इज द वाई प्लेन। इस पॉइंट को ओरिजिन बोलते हैं, इस पॉइंट बोलते हैं ओरिजिन, ठीक है। जिसके कोऑर्डिनेट कितने होते हैं, 0, 0, यानी कि एक्स में भी 0 और वाई में भी 0। लेट अस सपोज दैट इस कोऑर्डिनेट में कहीं यहाँ पे कोई चार्ज रखा है Q1, क्या रखा है Q1, और कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन वेक्टर है। मान लीजिए पोजीशन वेक्टर कितना दिया है आपको, दिया है R1 वेक्टर, ओके। एंड लेट अस सपोज दैट यहाँ से पोजीशन वेक्टर किसी डिस्टेंस R2 पे कोई यहाँ पे चार्ज रखा है Q2, ओके। तो वी शुड टू फाइंड दैट व्हाट इज दी फोर्स वेक्टर बिटवीन देम। तो इसके बीच में फोर्स वेक्टर कितना है, इसको फाइंड करने का हमारे पास तरीका है। तो सबसे पहले हम कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में आई लिखते हैं यहाँ पे। वी नो दैट व्हाट इज द कूलम्स लॉ, क्या होता है, एफ इक्वल्स टू होता है के Q1 Q2 बाय का R2। ये कूलम्स लॉ में सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बताता है। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना तो आप कैसे लिखोगे, लिखोगे एफ वेक्टर, ठीक है, एफ वेक्टर हो जाएगा, एफ वेक्टर ऐसे हो गया, ये मैग्नीट्यूड हो गया। और आप मैग्नीट्यूड के साथ यहाँ क्या लिख सकते हो, एफ कैप। तो यहाँ पे एफ कैप इज नॉट अ वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ एफ की जगह हम यूज करेंगे क्या, आर कैप, ओके। देर इज आर कैप इज अ यूनिट वेक्टर की जगह हम बोलेंगे उसको पोजीशन वेक्टर। क्या होता है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी किसी भी तरह डायरेक्शन बता सकते हैं। तो आप यहाँ पे आर कैप का यूज कर लो, ठीक है। आर कैप क्या बताएगा, आर कैप बताता है एक वेक्टर क्वांटिटी को, ठीक है। मान लो ऐसे क्या आर कैप लिखा ना, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो जानते हो, मान लो कोई वेक्टर बना लो आर वेक्टर, इसको स्टोर हो जाएगा आर इंटू आर कैप, ओके। तो अगर कहीं लिखा है आर वेक्टर इज इक्वल टू, हाँ, अगर मान लो तुमको ऐसे सामने लिख दिया फोर्स में एफ इज इक्वल टू के Q2 R2 और यहाँ पे लगा दिया आर कैप। आर कैप मतलब क्या हुआ, आर कैप इज अ यूनिट वेक्टर जो हमको क्या देगा, हमको देगा किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन। तो यानी कि आर कैप हमको निकालना है, तो आर कैप कैसे बना होगा, यू नो दैट अगर मान लो आर वेक्टर हुआ होगा, होगा तो वहाँ क्या होगा, आर लिखा होगा और आर कैप लिखा होगा। यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं क्या, आर को, आर कैप को। तो आर कैप क्या हो जाएगा, आर कैप इक्वल टू हो गया आर वेक्टर बाई आर, ओके। सो वी शुड टू पुट देयर, ओ सॉरी ऐसे वी शुड टू पुट दी वैल्यू देयर। अगर मैं वैल्यू यहाँ पे रखता हूँ तो मुझे कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म में मिलता है, वो होता है एफ वेक्टर इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इंटू आर वेक्टर बाई आर। तो देखिए क्या हो जाएगा, के Q1 Q2 बाई आर का अगर स्क्वायर है, यहाँ भी आर का क्यू हो जाएगा, बट ये ऊपर क्या रहेगा, इंटू आर वेक्टर, ये हो जाएगा आपका एफ कैप। ये हो गया कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, यानी कि वेक्टर फॉर्म में आप कूलम्स लॉ को ऐसे लिख लेते हो दो चार्जेस के बीच में। बात आती है, हम तो ऐसे लिख लेंगे सिंपली। तो मान लीजिए हमको प्लेन में लिखना हो, यानी पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिखना हो, तो क्या करेंगे, तो लेट अस सपोज दैट एक चार्ज एक्स वाई प्लेन में है, Q1 है और Q2 है, ठीक है।
जो Q1 है वो पोजीशन वेक्टर R1 से लोकेटेड है और जो Q2 चार्ज है वो पोजीशन वेक्टर R2 से लोकेटेड है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, तो अब मान लीजिए इसके भी इसका डिस्टेंस कुछ हमको पता करना है, तो इसका डिस्टेंस मान लीजिए कुछ ये डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस मान लीजिए क्या है, R है, ठीक है, ये बीच में डिस्टेंस हो गया R। अब यार इक्वल किसके होगा, देखिए एक्चुअली जब मुझे ज़रूरत रहा तो मेरा मार्कर चलता नहीं है, जब चलता है तो लीक करता है, ठीक है। ये मान लीजिए पोजीशन वेक्टर R, ठीक है। अब इस R की वैल्यू कब कब डिपेंड करेगी, तो लेट अस सपोज दैट पहले क्या है कि जब चार्ज Q1, ध्यान दीजिए जब चार्ज Q1 Q2, ध्यान दीजिए यहाँ पे Q1 है और यहाँ पे Q2 है, दोनों पॉजिटिव नेचर का है, तो देखिए Q1 चार्ज पर Q2 फोर्स लगाएगा और Q2 चार्ज पे Q1 भी फोर्स लगाएगा, तो लेट अस सपोज दैट Q1 चार्ज पे Q2 फोर्स लगाता है, तो मान लो देखो रिपल्सन का फोर्स है तो क्या जाएगा, बाहर जाएगा, वो बाहर का फोर्स मान लो F रहता है। अब देखो Q1 पे है तो यहाँ लिख लो 1, Q2 लगा रहा था लिख लो 2, यानी कि ध्यान दो Q1 पे चार्ज जो फोर्स लग रहा है वो क्या है F12। उसी तरह आप Q2 लगा सकते हो, देखो Q2 फोर्स अगर लगाएगा Q1 तो ये बाहर लगाएगा फोर्स, देखो यहाँ पे Q2 पे लग रहा है तो T2 लिख लो, Q1 के थ्रू लग रहा है तो यहाँ पे 1 लिख लो, ठीक है। जब देखिए ध्यान दो, जब F12 लिखेंगे, F12 वेक्टर कहीं लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा K Q1 Q2 बाई का, अब R क्या रहेगा, अब R बात करेंगे, अगर यहाँ पे चार्ज के टाइम F12 है तो यहाँ पे R भी क्या रहेगा, R रहेगा हमारा R12 का, अब जैसे यहाँ पे क्या था क्यूब था ना, तो हम लगा देंगे क्यूब, ठीक है। और यहाँ पे वेक्टर के फॉर्म में क्या लिखेंगे, लिखेंगे इनटू R12 वेक्टर, ये हो गया F1 का वैल्यू, ठीक है, ऐसे लिखना है। लेकिन मान लीजिए आपसे पूछता है F21 बताइए, तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे F वेक्टर Q1 इसको क्या आ जाएगा K Q1 Q2 बाय, देखो यहाँ पे क्या रहेगा R, यहाँ पे क्या, यहाँ पे जब F12 था यानी कि 1 के वजह से 2 पे लगने वाला फोर्स, तो पोजीशन वेक्टर R12 था, तो वैसे ही अगर फोर्स R21 है तो पोजीशन वेक्टर क्या लिखेंगे, लिखोगे R21 और क्यूब लगा दो इसके ऊपर, क्योंकि ऑलरेडी देखो यहाँ फॉर्मूले से हमको पता चल गया क्यूब है, फिर लेकिन R वेक्टर यहाँ कितना है, तो लिखोगे R वेक्टर, बट कौन सा R21 वाला, R21, बट यहाँ पे आप चाहो शो कर सकते हो, देखो ध्यान दो कि कूलम्स लॉ को मैं वेक्टर फॉर्म में दिखा दिया, बट एग्जाम में कभी कभी आता है कि प्रूव करो कि कूलम्स लॉ ऑलवेज फॉलो न्यूटन थर्ड लॉ क्या होता है पता है, कि कोई भी फोर्स अगर किसी बॉडी पे लगती है तो बॉडी भी उतना अमाउंट ऑफ फोर्स निगेटिव डायरेक्शन में अप्लाई करती है, एक्शन रिएक्शन का रोल, ठीक है। तो प्रूव करना है, तो ध्यान दीजिए कहीं ऐसे लिखा हो R12 लिखा है, R12 इसका मतलब क्या होता है, R1 माइनस का R2, ठीक है। अगर कहीं ऐसे लिखा है R21 इसका मतलब होता है R2 माइनस का R1, अच्छे से लिखो R1 माइनस का R2 और यहाँ क्या जाएगा R2 माइनस का R1, हमेशा याद रहेगा, याद रखे रहना। अब मान लो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, लिख दूँ यहाँ पे, तो अगर मैं पहले वाले को अगर अच्छे से खोलूँ यानी F12 को, तो लिखूँगा F12 वेक्टर इज़ इक्वल टू हो जाएगा K Q1 Q2 R21 कितना है R21, यानी क्या है हमारा R1 माइनस का R2 का क्यूब, ठीक है। और यहाँ पे इनटू वेक्टर फॉर्म में कितना है R1 माइनस का R2 का वेक्टर फॉर्म में लिख देना, ठीक है, ओके। अब मान लीजिए लिखना है आपको F21, तो लिखना F21 वेक्टर इसको इसको कितना लिखोगे, F21 वेक्टर हो जाएगा K Q1 Q2 बाई, अब देखो क्या हो जाएगा R2 माइनस का R1 का क्यूब, अब यहाँ क्या हो जाएगा R1 माइनस का R2 का, फिर देखो ऐसे लगा दो वेक्टर फॉर्म, गलत हो गया ना, क्योंकि यहाँ पे क्या रहेगा R2 माइनस का R1 रहेगा, बहुत अच्छा। अगर मैं कुछ ऐसा कर दूँ कि मैं दोनों तरफ क्या करता हूँ, ध्यान दो, मैं कुछ ऐसा कर दूँ दोनों तरफ मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ, अगर मैं इधर माइनस कर दूँ तो इधर माइनस कर दूँ, ठीक है, मैं लिखोगे आफ्टर मल्टीप्लाइंग बाय माइनस इन बोथ साइड इन इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर 2 है, तो इक्वेशन नंबर 2 में अगर मैं दोनों को क्या करूँ माइनस से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या हो जाएगा माइनस का F21 वेक्टर इक्वल होगा क्या हो जाएगा K Q1 Q2 बाई, क्या हो जाएगा यहाँ हो जाएगा आपका R2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का R1 होगा, वैसे नहीं लिखते हैं ये गलत बात हो जाता है, क्या लिखोगे माइनस का ब्रैकेट में क्या हो जाएगा R2 माइनस का R1 का
क्यूब, देखो इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या बन जाएगा ये माइनस का आर टू, और इसके अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस का, तो क्या लिख सकता हूँ मैं, लिख सकता हूँ यहाँ पे आर वन प्लस का माइनस का आर टू का, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ आर वन प्लस आर टू का क्यूब लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पे आर वन और प्लस वहाँ माइनस हो जाएगा माइनस आर टू का क्यूब, अच्छा और फिर अंदर वो मल्टीप्लाई आएगा क्या हो जाएगा यहाँ पे, हो जाएगा आर वन वेक्टर, ठीक है, और यहाँ माइनस लगेगा तो हो जाएगा माइनस का आर टू वेक्टर। तो एक बात देख पा रहे हो आप, जो ये साइड है ये वाला साइड, ये वाला साइड वो इस वाले साइड के जस्ट एकदम इक्वल आ रहा है, आ रहा है जब ये वाला साइड इस वाले साइड के इक्वल आ रहा है, तो क्या इस साइड के इक्वल कितना एफ टू वन है ना, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ क्या, ध्यान दो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि माइनस का एफ टू वन वेक्टर किसके इक्वल है एफ वन टू वेक्टर के, ओके तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि एफ वन टू वेक्टर इक्वल है माइनस के वेक्टर ऑफ एफ टू वन के, ठीक है, यानी कि यहाँ क्या प्रूव हो जाता है कि जो फोर्स ये इस पर लगाएगा वो फोर्स ये इस पर भी लगाएगा, बट वो क्या रहेगा, देखो ध्यान दो कैसा रहेगा, निगेटिव का रहेगा, यानी कि अप्रूव है, हैंस प्रूफ्ड, हैंस प्रूफ्ड न्यूटन थर्ड रूल, ये न्यूटन का थर्ड रूल यहाँ पे प्रूव होता है, इसको बोलते हैं कूलम्स वेक्टर रूल। आप यहाँ तक नोट कर लेंगे तो फिर मिलेंगे कल के क्लास में नए कॉन्सेप्ट के साथ, तो ओके फिर बाय बाय, इतना अपलोड कर लीजिएगा वेक्टर लॉ ऑफ कूलम्स, ठीक है, या फिर वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, ओके इतना नोट कर लें।